Hello and welcome to Tele Talkies, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, आखिर छोटे से मनी की खातिर क्यों लिखा पंजाब के सीएम ने देश के प्रधानमंत्री को एक लेटर? जी हाँ दोस्तों, आखिर ये छोटा सा बच्चा मनी किस तरह से बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका है? क्या है इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई? बताएंगे हम आपको सब कुछ पूरी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, छोटा सा मणि बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। ऐसे में पंजाब के सीएम ने पहले भी उनके लिए कई सारे तोहफे और कई सारी चीज़ें भिजवाई थी और मणि को सम्मानित करने का भी ऐलान किया था। वेल इसी के बाद से ही अब मणि जैसे कई और ऐसे उनके पंजाब के छोटे छोटे जिलों से बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मणि ने अपने सीएम को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम जैसे गरीब घर से आने वाले टैलेंटेड बच्चों के लिए आप प्लीज़ कुछ करिए, क्योंकि अपने घर की फाइनेंशियल बुरी हालत की वजह से हम लोग अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा नहीं पाते या फिर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे में उस चिट्ठी को अपनी चिट्ठी के साथ, यानी कि पंजाब के सीएम ने उसी चिट्ठी के साथ अपनी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई है और ऐसे बच्चों के लिए बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट भी करी है, जिसके बाद से ही छोटे से मणि का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कानों में भी चला गया है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत एक्साइटेड है मणि से मिलने के लिए। साथ ही साथ वो मणि जैसे कई और बच्चों से भी मिलना चाहते हैं और इस बात का भी बड़ा ऐलान हुआ है कि पंजाब में इस तरह के हर एक टैलेंट को आगे प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए बहुत खासी तैयारी होगी, योजनाएँ भी बनाई जाएंगी। वेल, मणि के इस प्रयास पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।